अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शालू, मेरा फोन तो गिर के खराब हो गया था ना, इसमें तो आवाज ही नहीं आएगी। अरे हाँ, एक काम कर ले, मेरे फोन से फोन कर ले, रूम में ही है, आ जा। नमस्ते। नमस्ते, आइए प्लीज आइए। नहीं नहीं टीचर जी, वैसे ही रात बहुत ज्यादा हो गई है, हम तो बस। आप यहाँ बैठे। मैम पारो कैसी है अब? उस छोटे से बच्चे ने बड़ी मुसीबत देखी है। कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है। आपने बड़ी बहादुरी दिखाई, मुझे हमारे पड़ोस के गांव के सरपंच ने सब कुछ बतला दिया, कैसे उस बदमाश कमीने रंजीत ने सारी हदें पार कर दी। भगवान का शुक्र है कि वो शहर से फरिश्ता बन के आ गए और उन्होंने समय से बचा लिया। मैं कल ही थाने जाऊंगा और वहां बोलूंगा कि कमीने रंजीत के खिलाफ वो केस लगाए कि वो कभी भी बाहर ना आ पाए जेल से। चलो स्टोरी सुनते। हाँ डैड, तो सुनाओ। कहाँ से सुनाओ? जहाँ से मैंने आपको बताया था ना, पारो वहाँ मिलेगी। पारो वहीं मिली थी ना? हाँ रोहन, एक्चुअली आसपास ही मिली थी, बट थैंक यू सो मच, तूने ना बहुत मदद करी है मेरी। अच्छा रोहन, तो पारो को बचाने में आप भी शामिल थे? क्या बात है, मेरा छोटा हीरो। हाँ माँ, मैंने पारो को अपनी बहन माना है, तो मैं उसका भाई हुआ। भाई को हमेशा अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए ना, इसलिए मैंने जाप किया था। क्या बात है रोहन, एक तरफ आपने अपने डैड की हेल्प भी करी और फिर जाप भी किया। वेरी प्राउड ऑफ यू। कहानी आगे बढ़ाऊं? हाँ डेरा सुनाओ। ओके, सो जैसे तूने मुझे जो जगह बताई थी कि जहाँ पे पारो है, मैं वहाँ पे आसपास पहुँच गया। लक्ष्मी, इस पूरी घटना को ना एक बुरा समय समझकर भूल जाना। माना कि औरत बहुत बहादुर होती है, हर स्थिति से लड़ सकती है। जब ऐसी बुरी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत भी टूट ही जाती है, इसलिए इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। और हाँ, ये मत भूलना कि पूरा गाँव हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जी, रंजीत का बाप अभी भी यहीं पर है, पर आप डरना मत। और हाँ, आपकी बहादुरी के लिए आपको सम्मानित भी किया जाएगा। नहीं नहीं सरपंच जी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है टीचर जी, आपकी बहादुरी को गांव के लिए आदर्श बनाना है। साथ ही उस जमींदार को भी चेतावनी मिलेगी कि अब उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी जी, हम चलते हैं। जी जी। तो ये कितनी अच्छी बात है ना, तुझे सम्मानित किया जा रहा है। शालू, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके लिए मुझे सम्मानित किया जाए। ये लोग थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं। तो क्या बोल रही है, जो तूने किया ना वो हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। सरपंच जी बिल्कुल सही बोल के गए, इस जमींदार को चेतावनी देनी बहुत जरूरी है। चला जा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो मिस्टर ओब्रॉय ने किया है वो सबसे पहले और सबसे बढ़ के, और इस सम्मान के असली हकदार वो है, मिस्टर ओब्रॉय। उसके बाद पता है क्या हुआ, वो जो बुरे रंजीत है ना, उसके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और रंजीत ने चाकू निकाला और वो चाकू सीधा मुझे मारने ही जा रहा था। क्या बोल रहे हो तुम, सच बता रहे हो या फिर स्पाइस अप कर रहे हो? मॉम डैड किसी झूठ नहीं बोलते, डैड जो कह रहे हैं वही हुआ होगा। आप डरो मत, डैड ने फिर गंदे अंकल की बहुत पिटाई की होगी, है ना डैड? बॉस बेटा, है ना डैड? क्या होगा, तभी तो डैड सामने बैठे हैं। लेकिन इस बारे में सोच के ना मुझे बहुत डर लगता है, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता ऋषि। तो चांस ही नहीं है मनीष का, मुझे कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि लक्ष्मी थी। लक्ष्मी? लक्ष्मी ने बचाया मुझे, कुछ नहीं होने दी। लक्ष्मी कौन? पंडित जी ने कहा है कि ऋषि की जिंदगी पर खतरा लौट आया है। आज का खतरा तो किसी तरह से टल गया, पर आगे का क्या? हमें इसी बात का डर लग रहा है करिश्मा। आई नो भाभी, लेकिन पंडित जी ने तो इस बार हमें कोई सलूशन भी नहीं दिया है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऋषि को कैसे समझाएंगे। पिछली बार भी उसे समझाने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी और हम श्योर इस बार भी होगी। और मलिष्का को तो अभी तक हमने कुछ बताया ही नहीं, सब कुछ छुपा रखा है उससे। हम नहीं चाहते कि जिस तरह से हम डर के जी रहे हैं वो भी इसी तरह डर डर के जी। लेकिन भाभी हम करेंगे क्या? अब ऋषि को ये तो नहीं बोल सकते कि घर से बाहर ही ना निकले, कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। हम पंडित जी से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि कोई उपाय मिला या नहीं। वो कह रहे थे ना कि उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट होप एंड प्रे कि उपाय मिल गया हो। हेलो
प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान बाबा, ऋषि ठीक है ना? आज का खतरा तो टल गया पंडित जी, पर आपने कहा है ना कि ऋषि के ग्रह नक्षत्र की चाल बदल गई है, उनमें कुछ बदलाव हुआ है जिसकी वजह से ऋषि पर संकट है। तो पंडित जी, ये संकट कब तक रहेगा और ऋषि को इस संकट से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये देखने वाले थे ना आप, कोई उपाय ढूंढने वाले थे ना? जी, उपाय मिल गया। मिल गया? उपाय मिल गया है पंडित जी? क्या क्या उपाय है बताइए। अपने बेटे के लिए जो करना पड़ेगा हम सब करने के लिए तैयार है, आप बस बता दीजिए हम। डैड आगे तो बोलो। तो लक्ष्मी टीचर जब बाहर आई रूम से, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लावर वास रखा है। उसके बाद कुछ नहीं, आपकी मॉम पुलिस को लेकर आ गई। अरे वाह मॉम, आप तो बहुत ब्रेव हो। उसके बाद और फिर रंजीत ने आपकी मॉम को पकड़ लिया और उसके बाद कहानी खत्म। मनीष का स्टोरी है। कहा ना कहानी खत्म बेटा, इसके बाद कोई कहानी नहीं है। पुलिस आई, रंजीत को ले गई और बंद कर दिया। ठीक है बेटा, अब रात बहुत हो गई है ना, आपके सोने का टाइम हो गया, तो आप जाओ सो जाओ। मॉम मैं सुन जाता हूँ। सो जाओ मॉम, मैं यही सोऊंगा आप दोनों के साथ। ठीक है? ठीक है, आप यहाँ सो जाओ हमारे साथ। ठीक है, सो जाओ। थैंक यू मनीष का, रोहन से इतना प्यार करने के लिए। रोहन बेटा है हमारा, बहुत प्यार करती हूँ उससे। हमें जोड़ने की कड़ी भी तो यही है ना। जी आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है हम करेंगे, जब तब सब करेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक रक्षा कवच अभिमंत्रित करके दूंगा, जो आपको ऋषि को पहनाना होगा जी। इससे ऋषि के ऊपर बुरे वक्त का असर काफी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब? ये पूरी तरह काट वाला उपाय नहीं है। देखिए, जब तक दूसरा कोई प्रभावशाली उपाय नहीं मिल जाता है, हमें ये उपाय करना ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, ये उपाय भले ही पूरी तरह कारगर सिद्ध ना हो, लेकिन संकट को काफी हद तक कम कर देगा, ये हमारा वचन है। आज पूरी रात में मंत्रोच्चार करके इस रक्षा कवच को अभिमंत्रित कर दूंगा। मैं इसी की तैयारी कर रहा था कि आपका फोन आ गया। ये रक्षा कवच मैं आपको कल दे दूंगा, उसे आप ऋषि को पहना देना, और उसके साथ ही मैं दूसरा उपाय ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठीक है पंडित जी, अब आप जैसा कहें, हमारे लिए तो आप ही मार्गदर्शक हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं रखता हूँ अभी। अभी ये उपाय पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा फिर? पंडित जी तो वचन दे रहे हैं, पर माँ का दिल है, जब तक पूरी तरह से काट वाला उपाय नहीं मिलता, डर जाएगा नहीं हमारे दिल से। आई टोटली अंडरस्टैंड भाभी, लेकिन पंडित जी ने उपाय दिया है ना, तो वो कम इफेक्टिव भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। बस अब तो दूसरा उपाय भी जल्द से जल्द मिल जाए, हम यही प्रे करेंगे। पर तब तक के लिए जो रक्षा कवच पंडित जी देंगे, हम कल ही ऋषि को बांध देंगे और उसके बाद ही उसे घर से कहीं जाने देंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।